राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की, जहां पर यूपीएससी छात्रा के सुसाइड मामले में अब सुसाइड नोट सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो सुसाइड नोट है वो सामने आ गया है। ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रा ने दरअसल जिस तरीके से खुदकुशी की थी, रोजमर्रा की दिक्कतों का इस सुसाइड नोट में छात्रा ने जिक्र किया है, जिसके चलते छात्र काफी मानसिक दबाव में रहते हैं। इसका जिक्र छात्रा की तरफ से सुसाइड नोट में सामने आया है। तो ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी छात्रा की खुदकुशी के मामले में अब छात्रा का सुसाइड नोट सामने आया है, जिसमें रोजमर्रा की दिक्कतों का जो जिक्र है वो छात्रा की तरफ से किया गया है। और छात्रा ने इस बात का जिक्र किया है कि आखिर कितने मानसिक दबाव में जो तमाम छात्र हैं वो ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हैं, और जिसके चलते इस तरीके की दिक्कतें, रोजमर्रा की जो दिक्कतें हैं वो यूपीएससी छात्रों के सामने यहाँ पर आती हैं। दरअसल वह जो छात्र का सुसाइड नोट है, जो छात्रा का सुसाइड नोट है वो सामने आया है यूपीएससी छात्रा की तरफ से। दरअसल सुसाइड ओल्ड राजेंद्र नगर में किया गया था, जिसके बाद अब छात्रा का जो सुसाइड नोट है सामने आया है, जिसमें छात्रा की तरफ से जिक्र किया गया है कि आखिर किस तरीके की रोजमर्रा की दिक्कतें उन्हें रहती हैं और छात्र कितने मानसिक दबाव में रहते हैं। और इस सुसाइड नोट में आपने देखा है कि पीजी के रेंट को लेकर भी यहां पर मेंशन किया गया है, तमाम सवाल उठाए गए हैं छात्रा की तरफ से। और कुछ दिन पहले उसकी सहेली के साथ जो चैट इस छात्रा ने किया था, वो चैट भी यहां पर सामने आया है, जिसमें पीजी छोड़ने का जिक्र किया गया है और रेंट बढ़ा है इसकी वजह से पीजी छोड़ने का जिक्र छात्रा की ओर से किया गया है। तो दिल्ली में छात्रा की खुदकुशी का ये मामला आपको बता दें, ये चैट भी आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें जो बातचीत हुई है वो मुख्यतः रेंट को लेकर बातचीत हुई है, कि किस तरीके से अचानक से पीजी का जो रेंट है वो बढ़ा दिया गया है। और छात्रा इसमें जिक्र भी करती हुई नजर आ रही है कि इस महीने का रेंट उनकी ओर से दिया गया, लेकिन अगले महीने रेंट बढ़ने की वजह से वो पीजी छोड़ देगी। तो ये चैट ये बता रही है कि किस तरीके से जो हर महीने या फिर कुछ महीनों बाद रेंट बढ़ने की जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है, उससे भी ये छात्रा यहां पर परेशान थी। और तमाम बड़ी बातों का जिक्र अपने सुसाइड नोट में भी किया गया है। तो चलिए, खबरें लगातार रिपब्लिक भारत पर जारी, एक छोटे से ब्रेक ले यहां पर रुक रहे हैं, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की, जहां पर यूपीएससी छात्रा के सुसाइड मामले में अब सुसाइड नोट सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो सुसाइड नोट है वो सामने आ गया है। ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रा ने दरअसल जिस तरीके से खुदकुशी की थी, रोजमर्रा की दिक्कतों का इस सुसाइड नोट में छात्रा ने जिक्र किया है, जिसके चलते छात्र काफी मानसिक दबाव में रहते हैं। इसका जिक्र छात्रा की तरफ से सुसाइड नोट में सामने आया है। तो ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी छात्रा की खुदकुशी के मामले में अब छात्रा का सुसाइड नोट सामने आया है, जिसमें रोजमर्रा की दिक्कतों का जो जिक्र है वो छात्रा की तरफ से किया गया है। और छात्रा ने इस बात का जिक्र किया है कि आखिर कितने मानसिक दबाव में जो तमाम छात्र हैं वो ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हैं, और जिसके चलते इस तरीके की दिक्कतें, रोजमर्रा की जो दिक्कतें हैं वो यूपीएससी छात्रों के सामने यहां पर आती हैं। दरअसल वह जो छात्र का सुसाइड नोट है, जो छात्रा का सुसाइड नोट है वो सामने आया है यूपीएससी छात्रा की तरफ से। दरअसल सुसाइड ओल्ड राजेंद्र नगर में किया गया था, जिसके बाद अब छात्रा का जो सुसाइड नोट है सामने आया है, जिसमें छात्रा की तरफ से जिक्र किया गया है कि आखिर किस तरीके की रोजमर्रा की दिक्कतें उन्हें रहती हैं और छात्र कितने मानसिक दबाव में रहते हैं। और इस सुसाइड नोट में आपने देखा है कि पीजी के रेंट को लेकर भी यहां पर मेंशन किया गया है, तमाम सवाल उठाए गए हैं छात्रा की तरफ से। और कुछ दिन पहले उसकी सहेली के साथ जो चैट इस छात्रा ने किया था, वो चैट भी यहां पर सामने आया है, जिसमें पीजी छोड़ने का जिक्र किया गया है और रेंट बढ़ा है इसकी वजह से पीजी छोड़ने का जिक्र छात्रा की ओर से किया गया है। तो दिल्ली में छात्रा की खुदकुशी का ये मामला आपको बता दें, ये चैट भी आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें जो बातचीत हुई है वो मुख्यतः रेंट को लेकर बातचीत हुई है, कि किस तरीके से अचानक से पीजी का जो रेंट है वो बढ़ा दिया गया है। और छात्रा इसमें जिक्र भी करती हुई नजर आ रही है कि इस महीने का रेंट उनकी ओर से दिया गया, लेकिन अगले महीने रेंट बढ़ने की वजह से वो पीजी छोड़ देगी। तो ये चैट ये बता रही है कि किस तरीके से जो हर महीने या फिर कुछ महीनों बाद रेंट बढ़ने की जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है, उससे भी ये छात्रा यहां पर परेशान थी। और तमाम बड़ी बातों का जिक्र अपने सुसाइड नोट में भी किया गया है। तो चलिए, खबरें लगातार रिपब्लिक भारत पर जारी, एक छोटे से ब्रेक ले यहां पर रुक रहे हैं, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की, जहां पर यूपीएससी छात्रा के सुसाइड मामले में अब सुसाइड नोट सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो सुसाइड नोट है वो सामने आ गया है। ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रा ने दरअसल जिस तरीके से खुदकुशी की थी, रोजमर्रा की दिक्कतों का इस सुसाइड नोट में छात्रा ने जिक्र किया है,
जिसके चलते छात्र काफी मानसिक दबाव में रहते हैं। इसका जिक्र छात्रा की तरफ से सुसाइड नोट में सामने आया है। तो ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी छात्रा की खुदकुशी के मामले में अब छात्रा का सुसाइड नोट सामने आया है, जिसमें रोजमर्रा की दिक्कतों का जो जिक्र है वो छात्रा की तरफ से किया गया है। और छात्रा ने इस बात का जिक्र किया है कि आखिर कितने मानसिक दबाव में जो तमाम छात्र हैं वो ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हैं, और जिसके चलते इस तरीके की दिक्कतें, रोजमर्रा की जो दिक्कतें हैं वो यूपीएससी छात्रों के सामने यहां पर आती हैं। दरअसल वह जो छात्र का सुसाइड नोट है, जो छात्रा का सुसाइड नोट है वो सामने आया है यूपीएससी छात्रा की तरफ से। दरअसल सुसाइड ओल्ड राजेंद्र नगर में किया गया था, जिसके बाद अब छात्रा का जो सुसाइड नोट है सामने आया है, जिसमें छात्रा की तरफ से जिक्र किया गया है कि आखिर किस तरीके की रोजमर्रा की दिक्कतें उन्हें रहती हैं और छात्र कितने मानसिक दबाव में रहते हैं। और इस सुसाइड नोट में आपने देखा है कि पीजी के रेंट को लेकर भी यहां पर मेंशन किया गया है, तमाम सवाल उठाए गए हैं छात्रा की तरफ से। और कुछ दिन पहले उसकी सहेली के साथ जो चैट इस छात्रा ने किया था वो चैट भी यहां पर सामने आया है, जिसमें पीजी छोड़ने का जिक्र किया गया है और रेंट बढ़ा है इसकी वजह से पीजी छोड़ने का जिक्र छात्रा की ओर से किया गया है। तो दिल्ली में छात्रा की खुदकुशी का ये मामला आपको बता दें, ये चैट भी आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें जो बातचीत हुई है वो मुख्यतः रेंट को लेकर बातचीत हुई है कि किस तरीके से अचानक से पीजी का जो रेंट है वो बढ़ा दिया गया है। और छात्रा इसमें जिक्र भी करती हुई नजर आ रही है कि इस महीने का रेंट उनकी ओर से दिया गया लेकिन अगले महीने रेंट बढ़ने की वजह से वो पीजी छोड़ देगी। तो ये चैट ये बता रही है कि किस तरीके से जो हर महीने या फिर कुछ महीनों बाद रेंट बढ़ने की जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है, उससे भी ये छात्रा यहां पर परेशान थी। और तमाम बड़ी बातों का जिक्र अपने सुसाइड नोट में भी किया गया है। तो चलिए खबरें लगातार रिपब्लिक भारत पर जारी, एक छोटे से ब्रेक ले यहां पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।